मैं बात कर रहा हूँ कुछ पैरानॉर्मल सर्विसेज को लेकर। कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। एक समय था हम भी नहीं मानते थे, आज काम करते हैं तो मानते हैं इन सब चीज़ों को। तो सबसे पुरानी घटना बताता हूँ मैं आपको। ये घटना रही होगी कोई आज से 25-26 साल पहले, मतलब जब मैंने पैरानॉर्मल सर्विसेज या आप भूत प्रेत तंत्र मंत्र जिन्न जिन्नात जो भी चीज़ें होती हैं उन सब में काम करना शायद शुरू भी नहीं करा था। वो एक स्टार्टिंग थी इन सब फील्ड के लिए। जब स्पिरिचुअल फील्ड में हम थे, आध्यात्मिक फील्ड में जब हम थे, तो उस दौरान की बात है। तभी एक इस तरीके का एक कोई केस मेरे पास में आया था। तब किसी ने मेरे से कहा कि साहब एक लेडी हैं और उनके ऊपर इस तरीके की कोई भूत प्रेत या तंत्र मंत्र प्रभाव है। और हमें भी आध्यात्म में आए हुए कोई 5-6 साल ही हुए थे, थोड़ा सा जोश भी था काम करने का, मंत्रों में बड़ा यकीन भी था और मंत्र ही शुरू से करते रहे हैं और मंत्र ही आज अपनी ताकत दी। तो उन्हीं मंत्रों के माध्यम से मैंने सामने वाले को बोला कि ठीक है चलिए हम चलते हैं, हम कर देंगे ठीक। नए नए तो थे हम अभिमन्यु की तरह, चक्रव्यूह में घुसना तो आता था बट निकलना नहीं आता था। ये चीज बाद में समझ में आई। अब जब मैं उस टाइम पर उनके केस के उनके पास गया और जो भी लेडी थी उनके ऊपर कोई ऐसी जो भी आत्मा और जो प्रभाव था और उन्होंने जो भी अपना रूप दिखाया, मैंने अपने मंत्र पढ़े और वो ठीक हो गई। अब लेकिन उस दौरान क्योंकि नए नए थे और उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, 4-5 साल ही हुए थे मेरे को काम करते हुए भी, तो वो जो उनके शरीर में आत्मा का प्रभाव था, वो जो पैरानॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, जो वो भूत प्रेत तंत्र मंत्र जो भी बाधा थी वो उनके शरीर से उतर गई और मेरे शरीर में आ गई। इसका एहसास मुझे तुरंत नहीं हुआ। अब जब मैं उस घर से बाहर निकला, उस जमाने में मेरे पास 2-व्हीलर हुआ करता था, मैं स्कूटर से अपने निकला और बाहर आया और थोड़ी सी दूर आने के बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं और शरीर इतना भारी हो गया है और कुछ आंखों के सामने अंधेरा है। भाई मैंने जैसे तैसे अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा और सामने एक हनुमान मंदिर नजर आया। मुझे आज भी नहीं याद कि वो मैंने अपनी स्कूटर वहां पर कैसे पार्क करी। मैं उतरा और उनके सामने जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम होकर लेट गया कि प्रभु बचाओ। तो कोई मेरे ख्याल से 5 मिनट हुए होंगे मेरे को, वहां के पुजारी ने आकर मुझे उठाया, भाई कि बहुत देर हो गए आपको प्रणाम करते उठिए। मैं उठा और मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो उस दिन हनुमान जी ने बड़ी मेरी रक्षा करी। तो जो भी स्थितियां बनी, लेकिन उससे ये एहसास हुआ, ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र जो बोलते हैं लोग नहीं होते हैं, ये हम भी किसी जमाने में मानते थे नहीं होते हैं, आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी चीजें पैरानॉर्मल के नाम पर इस तरीके की चीजें चलती हैं कि ये सब नहीं होता है। लेकिन आज 30 साल हो गए काम करते हुए, इन सब चीजों में काम कर रहे हैं और वही भगवान की शक्ति, वही मंत्रों का पावर। उस दिन हनुमान जी से की कृपा मिली, वो घंटाखंड महावीर के मंत्रों का जाप शुरू से कर ही रहे थे, उन्हीं मंत्रों के जाप से शायद वहां से हम जो अचानक हनुमान जी का मंदिर आया शायद वहां तक पहुंचे और उन्होंने हमारी रक्षा भी करी। तो वो जो मंत्रों की ताकत, वो जो मंत्रों का पावर, अब आज की तारीख की तो स्थितियां अलग हैं, आज तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज सामने भी खड़ी नहीं होती और हो जाए तो वो हमारे मंत्रों के सामने टिक भी नहीं पाती। तो मेरा बस ये कहना है कि जो लोग बोलते हैं ये नहीं होता है, क्योंकि आपने कभी जीवन में एक्सपीरियंस तो कभी किसी चीज को करा नहीं है, क्योंकि जिस किसी को जीवन में दुख होता है तो उसको समझ में आता है कि दुख क्या होता है, जब किसी को एक्सपीरियंस होता है तो उसको समझ में आता है कि सब चीजें क्या होती हैं। मैं भी एक जमाने में अपनी लाइफ में आज से 30 साल पहले नहीं मानता था, लेकिन जब भी एक्सपीरियंस हुआ जीवन में और जब भी सारी चीजें समझ में आई और जब इस क्षेत्र में आए तो सब करने लगे सब चीजें होती हैं। तो भाई पृथ्वी है, सृष्टि है, सब तरीके की चीजें हैं, जीव है, मनुष्य है, इंसान है, आत्मा है, सब कुछ है। तो ये भी हैं सारी चीजें और जिसको हम करते हैं, और आज से नहीं अब तो सालों से कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक्स।